boys and girls. I'm Dr. Rameshwar, orthopedic surgeon, entrepreneur, social activist, and chairman of Swiss Science Group of Hospital and Galopia Pharma. I'm proud father of two sons and husband of lovely woman. आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपके कॉलर का बोन, जिसको क्लैविकल बोलते हैं, अगर टूट गया तो इसका क्या इलाज है, इसके लिए क्या करते हैं, कितने दिनों में ठीक हो जाता है, क्या इसमें ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है, क्या ऑपरेशन करना है तो कब करना चाहिए, अंत तक हमारे इस वीडियो में जुड़े रहिएगा। मैं आपको क्लैविकल बोन से रिलेटेड और फ्रैक्चर से रिलेटेड एक एक चीज़ बताऊंगा। एक्चुअली एक चीज़ मैं बताना चाहता हूं कि हड्डी, क्लैविकल का हड्डी बहुत ही कॉमन हड्डी है जो टूटता है। सबसे कॉमन हड्डी बोलते हैं कि जो टूट जाए ये हड्डी रहता है। बच्चा लोग में तो कितना बार, खास करके जिसे जन्म हुआ तो कितना बार बर्थ फ्रैक्चर हो जाता है, जब डिलीवरी वगैरह के वक्त, ये जिसे डिलीवरी के वक्त ही थोड़ा सा चोट लगा और टूट भी गया, और कितना बार तो पेरेंट्स को पता भी नहीं चलता है कि वो टूटा भी था और वो जुड़ भी जाता है। यूनियन कभी प्रॉब्लम नहीं होता है बच्चा लोग में, खास करके न्यू बॉर्न में, और बच्चा लोग में भी है। मैं तो बोलता हूँ 12-15 साल के उम्र तक यहाँ की हड्डी जुड़ने में कोई दिक्कत नहीं होती है। हड्डी कभी भी जुड़ती है तो थोड़ा गांठ बना लेती है, थोड़ा शुरू शुरू में मोटा लगेगा, छूने से लगेगा कि फर्क है, खास करके बच्चों में, लेकिन वो धीरे धीरे, खास करके उम्र अगर 10 साल से नीचे तो धीरे धीरे वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। बाद में जो गांठ भी है वो बिल्कुल समझ में नहीं आता है, शुरू शुरू में गांठ लगता है, लेकिन उससे काम धंधा करने में कोई दिक्कत नहीं होता है, बच्चा सब कुछ कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं होता है। लेकिन एडल्ट में भी यहाँ पे जुड़ना बहुत आसान है। अधिकतर समय हम लोग फिगर ऑफ एट एक पट्टी बांध देते हैं और उसी से जुड़ जाता है, क्योंकि यहाँ पे प्लास्टर नहीं लग सकता है, प्लास्टर लगाना मुश्किल है। और हम लोग तो 90% केसेस में, अगर एडल्ट आदमी में भी, जवान आदमी में भी हड्डी टूटा है तो हम लोग पट्टी ही लगाते हैं, हड्डी जुड़ जाता है। हड्डी जुड़, किसी को नहीं भी जुड़ता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एसिम्प्टोमेटिक नॉन यूनियन हो जाता है, नहीं जुड़ा है लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं होता है। जुड़ा भी, यहाँ अगर एडल्ट आदमी को जुड़ा भी तो गांठ बना के ही जुड़ता है, हड्डी जुड़ेगा तो बिल्कुल नॉर्मल नहीं जुड़ता है, थोड़ा ऊपर नीचे होके ही जुड़ता है और थोड़ा गांठ बना लेता है, थोड़ा छूने से लगता है कि फर्क है, लेकिन एक बार जुड़ गया तो सब काम कर सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं, कोई भी ऐसा चीज नहीं है जो नहीं कर सकते। तो हम लोग तो अधिकतर समय एडवाइस करते हैं कि इसमें ऑपरेशन नहीं कराने का, इसमें पट्टी लगा दीजिए, हड्डी तो जुड़ेगा, थोड़ा गांठ बना के जुड़ेगा, थोड़ा मोटा होके जुड़ेगा, देखने में थोड़ा लगेगा फर्क, तो ये तो अंदर रहता है। अधिकतर समय लेडी लोग में थोड़ा सा देखने में कॉस्मेटिक, जेंट्स में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दूसरा चीज है कि एक बार जुड़ गया तो बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है, लेकिन कभी कभी ऑपरेशन करना पड़ता है। कहाँ ऑपरेशन करना पड़ता है, जिसको चाहिए कि नहीं हमारा बिल्कुल हड्डी टूटा है ऐसे के ऐसे ही जुड़ना चाहिए, तो फिर आपको ऑपरेशन कराना पड़ेगा। या दूसरा कि अगर ये हड्डी टूट के कोई नर्व पे ये कर लिया, कॉम्प्रेशन कर रहा है, जिसके कारण से हाथ में कमजोरी हो गई, चाहे न्यूरोवैस्कुलर कुछ कॉम्प्लिकेशन हो गया, तब ऑपरेशन करना पड़ता है। और एक तीसरा कंडीशन है कि लेटरल एंड में, लेटरल माने जो बाहर का एंड है ना, ये किनारे में जो है हड्डी यहाँ से लेके यहाँ तक है, लेकिन ये किनारे में अगर यहाँ पे टूट गया और यहाँ पे टूटा तो उसमें हम लोग ऑपरेशन करने के लिए राय देते हैं। लेकिन सब में ऑपरेशन करना जरूरी नहीं है, आप अपने डॉक्टर से पूछिए, अगर वो एडवाइस करते हैं तो ऑपरेशन कराने का। ऑपरेशन कराने का उद्देश्य कॉस्मेटिक नहीं होना चाहिए, जब कुछ फंक्शनल कोई दिक्कत हो रहा है तभी कराने का। ऐसा नहीं कि हड्डी ऊपर नीचे जुड़ा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उससे कोई दिक्कत नहीं होता है, क्योंकि अगर मान लीजिए जैसे ऑपरेशन करते भी हैं तभी तो वहाँ पे चीरा लगता है, निशान तो हो ही जाता है, तो वो भी देखने में थोड़ा खराब लगता है। ऐसा नहीं है कि, और हर ऑपरेशन अपने आप में एक रिस्क रहता है, तो हम लोग अधिकतर समय ऑपरेशन के लिए नहीं राय देते हैं, अंटिल अनलेस की कोई कॉम्प्लिकेशन है या कोई चाहता है कि नहीं हमारा बिल्कुल हड्डी बराबर रहना चाहिए, तभी हम लोग ऑपरेशन करते हैं। और रिजल्ट वाइज देखें तो ऑपरेशन कराएं चाहे नहीं कराएं, काम करने के लिए दोनों में बराबर ही हो जाता है। तो ये है क्लैविकल हड्डी के बारे में ये जानकारी। और आपको अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसे शेयर करिए, अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अगर Facebook पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करिए। थैंक यू। थिंक हेल्दी, बी हेल्दी।